हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जानकी। जानकी की रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं नई मजेदार कच्चे केले की रेसिपी बनाने वाली हूँ। अगर आप एक बार खाएंगे तो उसका टेस्ट आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 छोटे इलायची बनाना लिए। अगर आपके पास बड़े बनाना है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब बनाना का ऊपर का जो पार्ट है वो हम चाकू से काट लेंगे। मैंने गैस को ऑन किया है। एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। अब पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास रिंग है, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। अगर आपके पास रिंग ना हो तो एक कटोरी आप रख सकते हो, उसके ऊपर प्लेट रख सकते हो। अब ढक्कन से ढक देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 10 मिनट तक पकाना है। अब हम ढक्कन निकाल कर चेक करते हैं। हमारे बनाना अच्छे से पक चुके हैं। ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, छिलके भी निकलने लगे हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब बनाना ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते, छिलकों को निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे छिलके निकाल लिए। अब हम इसे बीच में से काटेंगे। मैंने बनाना को 2 टुकड़ों में काट लिया है और उसके बाद हम इस तरह से काटेंगे। इस तरह से सारे टुकड़ों को हम काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन का आटा लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालने वाली हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पे अजवाइन है, वो भी मैं इसके अंदर क्रश करके डालने वाली हूँ। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास पानी लिया है, वो भी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ही साथ में पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। आप देख सकते हो इस तरह से बैटर को बनाना है। हमें ज्यादा पतला भी नहीं करना है और गाढ़ा भी नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन किया है और पैन रखा हुआ है और उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है और उसे हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो हमने कच्चे बनाना के स्लाइस रखे थे वो हम लेंगे और ये जो बेसन का घोल बनाया है उसमें हम अच्छे से ऐसे कोट करेंगे और तेल में रखेंगे। एक एक करके हमें इस तरह से बेसन के घोल में कोट करना है और तेल में डालना है। अब हमें एक एक करके पलटाना है इस तरह से। बनाना के टुकड़ों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और दोनों साइड से अच्छे से हमें पकाना है। आप देख सकते हो सुनहरा कलर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने कढ़ाई को रखा है और मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे और उसके बाद 1 चम्मच जीरा डालेंगे और लहसुन डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन की कच्ची स्मेल नहीं जाती तब तक हम इसे भूनेंगे। लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब 3 बड़े प्याज मैंने लिए, उसे भी मैंने बारीक बारीक काटा है, वो हम इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं होता तब तक हम प्याज को भुनेंगे। हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पे मेरे पास काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, वो भी मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी। इससे क्या है ना, कलर बहुत अच्छा आता है।
और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए और उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हो किनारों से तेल छूटने लगा है, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे 1 ग्लास पानी डालूंगी और 1 उबाल आने देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप देख सकते हो ग्रेवी को कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें जो हमने केले के स्लाइस बना के रखे थे वो हम ग्रेवी में ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, हाथों से क्रश करके इसमें हम डालेंगे, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमारी सब्जी तैयार है। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।